नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 3 दिसंबर शनिवार के दिन है मोक्षदा एकादशी। नाम के अनुसार इस एकादशी का जो सबसे बड़ा गुण है, इसका जो महात्म्य है, वही ये है कि इस एकादशी का व्रत रखने से, इस एकादशी पर तमाम एकादशियों के जो नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य पालना, झूठ नहीं बोलना, भगवान नारायण की पूजा करना, अनेकों चीजों का दान करना, ये तमाम चीजें आपको मोक्ष दिलाती है और आपके पितरों को मोक्ष दिलाती है। मोक्षदा एकादशी वाले दिन दोस्तों, जो लोग भगवद गीता के 9वें और 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके पितरों को मुक्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें रात को सोने में डर लगता है, सोने के बाद भयंकर स्वप्न आते हैं, घर में कोई बुरी चीज है, या आपके पितृ आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं, वो आपसे कुछ चाहते हैं, मोक्षदा एकादशी का व्रत करना शुरू कर दे। जो इंसान एकादशी का व्रत रखता है, उसे कभी पितृ दोष नहीं लगता, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो एकादशी वाले दिन पितरों के लिए आप पूजा जरूर करें। आज के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल मिश्रित जल अवश्य ही चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। आज के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और एक लोटे में जल ले ले, उसमें थोड़े काले तिल डालें और अपने पितरों के नाम पर एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी वाले दिन वो चीज जो आपके पितरों को बहुत पसंद थी, अमुक टाइप के कपड़े, अमुक टाइप का भोजन, आज उन चीजों का दान जरूर करें। उस उम्र के व्यक्ति को जिस उम्र के आपके पितृ हैं, या फिर ब्राह्मणों को दान में दे वो चीजें, इससे पितृ तृप्त होते हैं। आज के दिन पितरों के नाम पर वस्त्रों का दान करें, काले तिल और गुड़ का दान करें, मूंग का दान करें। आज के दिन अनाज के दान का बड़ा महत्व है। और दोस्तों, आज के दिन सुबह उठते के साथ अपने पितरों का स्मरण जरूर करें और कम से कम 3 बार ओम नमो पितृदेवाय नमः इस शब्द को बोलें, इस मंत्र को बोलें, उसके बाद ही आप जमीन पर पैर रखें। आज के दिन जैसे हम भगवान नारायण की आज के दिन पूजा करते हैं, अपने पितरों के आगे भी घी का दीपक और अगरबत्ती जरूर लगाएं। अपने पितरों को पुष्पों की माला अर्पित करें। जो चीज आपके पितरों को बेहद पसंद थी, आज उस चीज का भोग अपने पितरों के आगे जरूर रखें। हमेशा के लिए आपका पितृ दोष दूर होगा। आज के दिन गाय माता को रोटी जरूर खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां दें, तमाम मूक पशु पक्षियों की सेवा करें, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनके शुभ आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। ये छोटा सा काम आज के दिन जरूर करें दोस्तों, जिंदगी में कभी दुख नाम की चीज नहीं आएगी। लिख ले इस चीज को, मान ले मेरी बात। जय श्री कृष्ण।